बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम इन एलिडा, वी आर इन किंगडम इन एमिलिया। हम इन एमिलिया में है या डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल भी आप लोग कह सकते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग टुडे फाइलम इन एलिडा। सो इन एलिडा निकला है, द टर्म इन एलिडा इज फ्रॉम एनोलस। एनोलस मीन्स लिटल रिंग। सो दीज आर सेगमेंटेड इनवर्टिब्रेट्स, सेगमेंटेड इनवर्टिब्रेट। इसके बाद इस में होते हैं छोटे छोटे रिंग्स, जस्ट लाइक दैट, एक रिंग दूसरा रिंग। ऐसे दीज बॉडीज, द बॉडी ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कंटेन लिटल रिंग्स। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड इन एलीड्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो इन एलीड्स आर सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट विच कंटेन लिटल रिंग्स, जिसके बारे में छोटे छोटे क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं। ठीक है, अबाउट 15,000 स्पीशी है इस ग्रुप में। 15,000 स्पीशी कंटेन दिस ग्रुप। इसके भी टाइप पे आते हैं तो सम मेंबर आर एक्वेटिक एंड सम आर टेरेस्ट्रियल। बॉडी शेप में है एलांगेटेड, आप लोग देख सकते हैं ये एलांगेटेड है एंड सेगमेंटेड भी है। ये टुकड़े है, वन सेगमेंट दूसरा सेगमेंट, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट पाए जाते हैं। बड़ी क्यूटी में ये है सेलोमेट्स। सो एब्सक्यूज याद रखिए, फर्स्ट इनवर्टिब्रेट विच कंटेन सीलोम विच कंटेन बॉडी क्यूटी। सो इन द लीड्स आर द फर्स्ट ट्रू सेलोमेट्स, पहले ट्रू सेलोमेट है ये। ठीक है, बॉडी वॉल में तो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी एक्टोडर्म मीजोडर्म इंडोडर्म तीनों पाए जाते हैं। बॉडी साइमेट्री में है बाइलेटरल साइमेट्रिकल, एक ही प्लेन से बॉडी को दो में तकसीम किया जा सकता है। सेगमेंटेशन यहाँ पे है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मीन वो टाइप सेगमेंटेशन जिसमें हर एक सेगमेंट में बॉडी का पार्ट रिपीट हो जाता है। सो रिपीटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इन ईच सेगमेंट, सच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन वी कॉल मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मिसाल के तौर पे एक बॉडी का एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, ये चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा, ऐसे। अब बॉडी का एक सेगमेंट हो गया, इट कंटेन पेरापोडिया, पेरापोडिया हर एक सेगमेंट में पेरापोडिया रिपीट हो चुके हैं। या मिसाल के तौर पे यहाँ पे है निप्रीडिया, निप्रीडिया, निप्रीडिया एक सेक्रेटरी ऑर्गन है, मैं आपको अभी बताऊंगा। हर एक बॉडी सेगमेंट में बॉडी का हर कोई पार्ट रिपीट हो जाता है। सच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन वी कॉल मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सो द सेगमेंटेशन इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इट कंटेन दिस पुट इज कॉल्ड सीटा। ठीक है, सो यही पुट है, यही सीटा है एंड दीज आर द ऑर्गन फॉर लोकोमोशन। ठीक है, इसको हम लोग सीटा के अलावा पेरापोडिया भी आप लोग इसे कह सकते हैं। सो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन यहाँ पे है पेरापीडिया, पेरापोडिया या सीटा के नाम से भी आप लोग इसे जान सकते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में पेरापोडिया नहीं होती, फिर ये मसल के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करा के ही मूवमेंट करा सकती है। फिर हम इसके आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। सो डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबुलर है और कंप्लीट है, ट्यूबुलर है एंड कंप्लीट है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ भी है, एनस भी है, ऐसी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन ऑर्गेनिज्म में। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए, इट कंटेन निप्रीडिया एंड निप्रीडिया इट इज प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, हर कोई सेगमेंट में ये निप्रीडिया रिपीट हो जाता है। यहाँ पे होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दीज आर द फर्स्ट इनवर्टिब्रेट विच डिवेल्प क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो याद रखिए दो अहम बातें, दीज आर फर्स्ट ट्रू सेलोमेट्स एंड दीज आर द फर्स्ट इनवर्टिब्रेट विच हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं इसकी
रिस्पायरेटरी सिस्टम पे. सो रिस्पायरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. रिस्पायरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट नहीं है. सो जनरल बॉडी सरफेस पे ही एक्सचेंज ऑब्जेक्ट्स करवा सकते हैं. मिसाल के तौर पे अर्थवॉर्म. सम ऑर्गेनिज्म, सम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कंटेन गिल्स बिहाइंड पैरापोडिया. कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में गिल्स के बिहाइंड पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं. पैरापोडिया के बिहाइंड क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स. एंड दीज गिल्स आर द ऑर्गन फॉर रिस्पायरेशन. सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. अभी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे साथ नर्वस सिस्टम में. इट कंटेन सैंपल ब्रेन. सैंपल सी ब्रेन है यहाँ पे. सैंपल ब्रेन. इसके अलावा प्रेजेंट है नर्व कॉर्ड्स. सैंपल ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ज्यादा पार्टीशन ब्रेन की नहीं हुई है. और इसके अलावा नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं. नर्व कॉर्ड्स आर रिपीट इन ईच सेगमेंट. हर सेगमेंट में नर्व कॉर्ड रिपीट हुई है. ठीक है. अब हम इसके आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे. सो मोस्टली इन एलीड्स आर हर्माप्रोडाइट. मोस्ट आर हर्माप्रोडाइट. कंटेन बोथ सेक्सेस. कंटेन मीन्स दैट एक ऑर्गेनिज्म है. टेस्टिस भी प्रेजेंट है. ओरिस भी प्रेजेंट है. सो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वी कॉल्ड हर्माप्रोडाइट विच कंटेन बोथ सेक्सेस. जिसमें मेल और फीमेल जुदा जुदा नहीं होते. एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं. ठीक है. और यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल होती है. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सम ऑर्गेनिज्म फॉर्म लार्वा. कुछ ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे लार्वा बन जाता है. और लार्वा का नाम होगा ट्रोकोफोर लार्वा. ट्रोकोफोर लार्वा. एमसीक्यूज याद रखिए. ट्रोकोफोर लार्वा. इसके अलावा आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं अर्थवॉर्म जमीनी कीड़ा. अर्थवॉर्म नेरीज लीचेस. इन पुश्त वी कॉल्ड जमजा एंड दिस इज कॉल्ड जवरा. दिस इज कॉल्ड जमुगी चिमजी. सो दीज आर ऑल अबाउट फाइलम इनेलिडा. होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर. हमें अपने तौर पर याद रखिए. अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.